मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई है। इस बीच चोरहट से विधायक अजय सिंह ने कहा कि बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष का फैसला दिल्ली का हाईकमान तय करेगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने विधायकों से वन टू वन चर्चा की है। वहीं बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल नहीं हो पाए हैं। कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने कहा है कि कमलनाथ का कार्यक्रम छिंदवाड़ा में पहले से ही तय था, इसलिए वो विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। पार्टी के प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर सिंह, जितेंद्र सिंह, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। वहीं दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सवालों पर बस इतना भर कहा कि कैबिनेट का गठन हो गया क्या। वहीं बीजेपी ने ओबीसी मोर्चा से मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही सामान्य और अनुसूचित जाति वर्ग से एक एक डिप्टी सीएम बनाए हैं। ऐसे में कांग्रेस में आदिवासी विधायक को नेता प्रतिपक्ष का पद देने पर विचार हो रहा है। हालांकि कांग्रेस में ओबीसी चेहरे के तौर पर विजयपुर विधायक रामनिवास रावत और ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के नाम भी चर्चा में है। लेकिन देखना होगा कि किसके नाम पर फिलहाल माहौल लगाता है, लेकिन यह फैसला केंद्रीय आलाकमान तय करेगा। देखिए, ये कुछ ना कुछ बहाना विवाद के लिए ढूंढ रहे हैं। कुछ भी करें, समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है कि हमारी संस्कृति जुड़ जुड़ के रहने की है, प्यार मोहब्बत की है। कल सर संसद में जो का मामला आया था, इसमें क्या कहना है? संसद में जो चूक हुई है, सुरक्षा ये तो बहुत बड़ी एक लैप्स हुई है, बहुत बड़ी कमी अगर संसद में हुई है और लोग कूद के अंदर चले गए, कोई भी घटना